मैं अब एक बात सर, मैं बोर के बारे में बोलना चाहता हूँ सर, सभी के लिए। बोर ये ब्रीड है ना, पूरी इंटरनेशनल ब्रीड है। जिस जिस कंट्री में एनिमल पाले जाते हैं उस कंट्री में बोर पाला जाता है, ओके क्योंकि उसकी खासियत ये है, जो बंदा एक बार बोर पालता है ना, वो जिंदगी में कभी उसको भूलेगा नहीं, इतना लगा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी ब्रीड नहीं ले पाएगा? नहीं पाएगा। लेकिन लेकिन उसमें एक बात खाली ध्यान में रखनी चाहिए कि लेते समय कहाँ से लेना है ये थोड़े बहुत, क्योंकि बहुत से लोग का प्रॉब्लम क्या होता है कि खाली बोर नाम से लेते हैं, ब्राउन मुंडी व्हाइट से, लेकिन उनको जो चाहिए होता है जो खुशी वो मिलती नहीं। अच्छा, उसमें मिक्सिंग बहुत हो गया है अभी, प्रॉपर ब्रीड नहीं मिल रही है ऐसा। तो मैं ये की बात करना होगा, आप अगर अच्छा और ओरिजिनल बोर करना चाहता हूँ तो आप एक बार मेरा फार्म विजिट करिए, देखिए और फिर डिसीजन लीजिए कि कहाँ से कौन सा एनिमल लेना है। जी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे से ले लो, लेकिन एक बार देखिए कि क्वालिटी कैसी होती है, क्या है, जानकारी लीजिए, पालना कैसा है, उसको डेवलप भी कैसा करना है, ये सब जानकारी लीजिए और फिर बोर लीजिए। बिंदास बोर एक ऐसी नस्ल है कि आपकी पूरी जिंदगी का पूरा सपना आपका सच कर देंगे। मैं शॉर्ट में बताऊँगा कि ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं टीचर का काम था, लेकिन परमानेंट नहीं था, किराए के घर में रहता हूँ, लेकिन ऊपर वाले की देन दी मेरे को ये बिजनेस का, और पूरे इतना मेरे पास है कि पकड़ लीजिए कि जो बंदा चाहता है कि गाड़ी हो, 4 लाख की टू व्हीलर हो, जीटी हो, वो सब मेरे पास है। अभी फोर व्हीलर है, बंगलो है, प्लॉट है, और ये सब मैंने खाली इस बकरों से कमाया है, बकरों से कमाया सब। और आज भी साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ईमानदारी से, ईमानदारी से प्रॉपर डिटेल, ईमानदारी ईमानदारी साथ में थी और कस्टमर सेटिस्फाइड। ओके, हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं। वेलकम टू आवर चैनल वाई के कोट लवर। दोस्तों, आज मैं हूँ पुणे में और अभी हमारे साथ में संजय माने सर है। संजय माने सर, नमस्कार। नमस्ते सर। सर, आपका वीडियो हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आ रहा है, धन्यवाद। तो ज़रा आपके बारे में बताइए, आपके फार्म के बारे में बताइए कुछ। सर, मेरा फार्म सांगली के नज़दीक आष्टा गाँव है, गोजर है। मेरा फार्म का नाम है माने फुलबर्ट बोर गोट फार्म। मैं 2011 से इस बिजनेस में जुड़ा हूँ। एजुकेशन भी बढ़िया है मेरा, MBA किया है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी फैमिली इस बिजनेस में जुड़े हैं जी। और जो भी है काम, मैं सब ब्रीडिंग का काम करता हूँ और बोर लवर हूँ मेरी पूरी फैमिली जी। अभी जस्ट मेरे पास जो भी एनिमल है वो सब फुल ब्रीड के एनिमल है, वो तो रजिस्टर्ड एनिमल है, फुल ब्रीड के जी सर। जी, तो सर माशाल्लाह ये क्वालिटी तो बहुत बेहतरीन दिख रही है जी सर। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसी बकरी जी सर, क्योंकि उसके पैर भी प्रॉपर शॉर्ट है, लेंथ भी अच्छी है जी सर। जी, तो ये किस में कंसीडर करेंगे, ये फुल ब्लड में आती है या जनरेशन में? नहीं सर, ये फुल ब्लड नहीं है, ये जनरेशन में है, ये थर्ड जनरेशन है, और ये जनरेशन भी रजिस्टर्ड जनरेशन है। ओके। क्योंकि बताने में मेरे को खुशी होगी कि इंडिया में अभी जो एसोसिएशन चल रहा है, बोर गोट ब्रीडर एसोसिएशन बन गया है, उसके थ्रू हम अफ्रीका में जो स्टोरबुक संस्था है कि जो पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं एनिमल का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उससे हम कोलाब्रेशन करके हर इंडिया का हर एनिमल जिसका रिकॉर्ड है वो वहाँ रजिस्टर करके उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो उसके पूरे पीछे 4 पीढ़ी की हिस्ट्री उसमें मेंशन है, इसलिए ये ओरिजिनल थर्ड जनरेशन की फीमेल है। ओके। और इसका बर्थ है ट्रिपलेट में हुई है, यानी कि उसके साथ एक सिस्टर भी है और इसका भाई भी है। अभी इसकी सिस्टर है, अभी अपने सिस्टर है आपके पास। तो ये कभी पैदा हुई है कभी नहीं क्या, यानी कि आपके पास रजिस्टर्ड है इसका पूरा रजिस्ट्रेशन? जी, सर्टिफिकेट भी है इसका, सर्टिफिकेट भी है जी। तो आपके पास जो भी जैसे कि बच्चे रहते हैं तो प्रॉपर आप सर्टिफिकेट के साथ में जी, जानकारी के साथ में पूरा देते हैं, माँ इसका माँ कौन है, इसके फादर कौन है? जी सर जी, पूरी मालूम देते हैं आप? पूरे सर्टिफिकेट में सब डिटेल्स आते हैं, डेट ऑफ बर्थ आते हैं, कैटेगरी आते हैं, फादर का मदर का डिटेल्स आता है, सब आता है सर जी। और उसके साथ में मैं बताना चाहूँगा, ये जो कान में टैग है ये भी टैग इम्पोर्टेड टैग है, स्पेशली देखो ये इस फीमेल का आईडी नंबर है, ठीक है, इस टैग के अंदर इसका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, यानी कि इसका डेट ऑफ बर्थ अभी 29/7/2023 का है। ओके। यानी कि अभी 8वें महीने भी 1 साल की हो गया अभी। ओके। ठीक है, इसके अंदर भी एक टैग है
उस टैग पे उसके फादर का यानी कि इस बच्चे का जो फादर है विराट बोल के उसका भी नाम और नंबर है और उसके अंदर भी एक नंबर है जो जिसमें उसकी मदर का नंबर है अच्छा मदर का टैग नंबर और उसके बाद उसमें एक मेटल का टैग लगा हुआ है हाँ मेटल का लगा हुआ है वो पूछ रहा था मैं आपको ये भी इम्पोर्टेड है उसपे MBGA पैसा नंबर लिखा है ये इम्पोर्ट है ये भी टैग ये खाली मेरे फार्म का आइडेंटिफिकेशन है ये खाली मेरे फार्म के एनिमल को लगते हैं या अफ्रीका के जो रजिस्टर्ड एनिमल है स्टेट बुक के वहाँ लगता है लेकिन इंडिया में अभी वो सिस्टम नहीं है इसलिए मैं अपने फार्म के एनिमल को लगाता हूँ जी। तो सर जैसे कि अभी ये फीमेल यहाँ पे आपने जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए लाए है ना जी सर ये बिक चुकी है हाँ ये बिक चुकी है ये जब बच्ची पैदा हुई थी छोटी तब ये बुकिंग हो गई थी ओके हाँ तो उस पार्टी से मेरी डील थी ये मैं खुद बड़ा करूँगा और प्रेग्नेंट करने के बाद दे दूँगा तो ये बकरी बच्ची प्रेगनेंसी के लिए मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट मेल है सिरवल में हाँ जो मेरे दोस्त को मैंने भी अच्छा था बच्चा वो लाइन अलग है इससे तो उसको मीटिंग के लिए वहाँ छोड़ दी थी ओके आज वो एक महीना प्रेग्नेंट हो गई और सिरवल में क्रांति से नाना पार्टिकल हॉस्पिटल है वहाँ सोनोग्राफी होती है उसका सोनोग्राफी में कन्फर्म होता है ओके कन्फर्म है तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है कन्फर्म है तो सोनोग्राफी हो गई उसको दो बच्चे बताए गए उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया तो कस्टमर का आज डिलीवरी देनी है पुणे से सतराज भाई के थ्रू सर क्या बात है कितनी अच्छी मालूमत दे रहे हैं आप मैं फर्स्ट टाइम इतना बारीकी से ये चीज सुन रहा हूँ कि भाई एक बकरी है जो बचपन में ही बुक हो जाती है जी जी फिर उसके बाद में आप बोलते हैं कि भाई ये मैं बड़े होने के बाद में दूंगा फिर आप उसको मेल मीटिंग करा के फिर उसकी सोनोग्राफी करा के प्रॉपर सब चीज करके फिर आप ट्रांसपोर्ट में डाल रहे हैं वो डील जब हुई थी तब वैसी ही बात हुई थी जब बात डील हुई थी ना तो वैसे ही होती कि जब छुट्टी थी वो कस्टमर को कैसा है मेरे पास सिस्टम है कि आपको कहाँ कैसी डेवलप करनी चाहिए कोई कस्टमर आता है जो अपने लोकल के होते हैं जो पुराने फर्म वो बोलते हैं 3 महीने के मेरे को बच्चे चलते हैं कोई थोड़ा आउट ऑफ स्टेट का होता है वो थोड़ा मालूमत में कम होता है कैसा पालना है वो बोलते 6-7 महीना करके दो कोई बोलता है मेरे को बड़ी करके दो 11-12 महीने की तो मैं बोलता ठीक है प्रेगनेंट करके दूंगा लेकिन वो प्रेगनेंट का पैसा है यानी कि मेल मीटिंग का पैसा वो चार्जेस खाली आपको देना पड़ेगा ओके तो कितना लेता है सर कैसा है कि हर एनिमल का मेल का चार्जेस अलग है जैसे कि 20,000 से लेकर 10,000 से लेकर 25,000 इसके बीच में एक मीटिंग कराने की एक मीटिंग कन्फर्म फीमेल कन्फर्म कराने की 10 से लेकर 25,000 तक ये फीमेल जिस मेल से पैदा हुई है उसको मैंने 25,000 रुपये दिया था ये बच्ची पैदा करने के लिए ब्रीडिंग करने के लिए इसके माँ को मीटिंग करने के लिए और ये पैदा हुई थी ये विराट को विराट हाँ ये से पैदा हुई है जो बोर्ड में काम करते हैं सबको ये बहुत जो नाम मैं ले रहा हूँ सब मेल नाम से पहचानते हैं सब इम्पोर्टेंट मेल है जितने भी और मैं बिना पूछे कह देता हूँ कि मेरे पास जो भी एनिमल है ये छोड़ के सब इम्पोर्टेड है एनिमल फुल भर के और सबके एनिमल अलग लाइन के हैं यानी कि सबके बाप अलग अलग इम्पोर्ट के हैं यानी कि बहुत से नाम मैं ले सकता हूँ जो इम्पोर्ट के जैम्पियन मेल है सब उसकी लाइन मेरे पास अवेलेबल है ओके ओके सर तो कैसा तरीका रहता है आपके पास जैसे कि अभी किसी को बच्चा चाहिए तो कभी बुक करना पड़ता है क्या आप बताते हैं ऐसा कुछ सर कैसा है कि बहुत से लोग पहले से क्यों में होते हैं मेरे कॉन्टेंट में कि मेरे को बच्चा चाहिए तो मैं बोल देता हूँ थोड़ा ये दो फीमेल अभी हफ्ते में बच्चे देंगे महीने में बच्चा देंगे तो वो क्यों में रहते हैं मेरे टच में रहते हैं कभी कभार वो टच से बाहर हो जाते हैं तो मेरा एक सिस्टम है मेरा एक पेज है फेसबुक पेज तो वहाँ मैं जैसे बच्चा डिलीवरी हो जाता है वो माँ के साथ उसका वीडियो लगाता हूँ उसके सब डिटेल्स यानी कि बच्चा पैदा हुआ उसका फादर कौन था मीटिंग किससे किया है बर्थ कब हुआ है बर्थ वेट कितना है और उसके बाद ट्विन्स है सिंगल है ट्रिपलेट है ये सबकी डिटेल्स उसके बाद उसका टैग नंबर क्या आएगा रजिस्टर सर्टिफिकेट कब तक आएगा ये सब उस पर डिटेल्स रहते हैं तो जिसको लेना है व्यूअर को वो देखते हैं मेरे संपर्क करते हैं और फिर वो बात करते हैं कि कितना महीने का लेना है क्या नाम है आपके इंस्टाग्राम आईडी का और फेसबुक आईडी का माने फुल ब्लड बोर ओके यानी कि जिस किसी को भी चाहिए तो उस पर देख सकते हैं है ना और आपसे जैसे कि वार्तालाप भी कर सकते हैं फोन करके जी एकदम सर कितने बकरी है आपके पास अभी सर मेरे फुल ब्लड का मदर स्टॉक 15 का है 15 का मदर स्टॉक है जी सर और जैसे कि आपने बताया कि भाई किसी को दो होते हैं किसी को 3 बच्चे होते हैं तीन मेरे पास कहने के लिए खुशी है कि 90% फर्स्ट टाइम में भी जो फीमेल है वो ट्विंस में दी है ऐसा भी रिकॉर्ड है मेरे पास अभी सिरोल में एक बंदे है कि अभी लेस्टर मैंने उनको फुलबर्ड की फीमेल दी थी लारा बोल के फर्स्ट टाइम में उनको 3 बच्चे हो गए ओके अभी सेकंड टाइम भी प्रेग्नेंट की अभी भी वो 3 बता रहे फोटोग्राफी में ओके वो और एक फीमेल है मेरे पास वो हमेशा 3 बच्चे देते आ रही है 3 बच्चे देते आ रही है और ट्विंस तो 90% मेरे पास ट्विंस है ये भी सर आपने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले ये भी फर्स्ट टाइम में ट्विंस देंगी ये
हाँ, ये ट्विन है ना, सोनोग्राफी किया है। जी जी वही बोल रहा हूँ सर। इसकी सिस्टर का भी किया है, इसकी सिस्टर अभी सिरोम में, मैं नाइट को जाते हुए ले जाने वाला हूं। अच्छा, ले जाएंगे आप साथ में? तो वो भी ब्रीडिंग के लिए लाए थे अपने? हाँ, ब्रीडिंग के लिए। डेस्टर बोल के एक मेल है, एक साल का है, वो 6 महीने में 60 kg का हो गया था। 6 महीने में 60 kg? पटेल सर बोल के है, रियाज पटेल, शाहनवाज पटेल ऐसा नाम है उनका, सिरवल में काम है खंडाला में जी। उनके यहाँ वो बच्चा बेचा था, वो अभी 1.25 साल का हो गया है। तो उनसे ये ब्रीडिंग करके ले रहा हूँ, क्योंकि वो अलग लाइन के है। ठीक है, तो ब्रीडिंग कंसेप्ट होती है थोड़ी, किससे क्या क्या करना। तो सर ये कहाँ पे बिकी है बताना चाहेंगे? सर ये कोलकाता में दी है, कोलकाता में बिकी हुई है। जी जी, मैं नाम भी ले सकता हूँ उनका, तैमूर भाई बोल के है, जिन्होंने मेरे से पहले एक एरो बोल के भी मेल लिया है, नए ब्योर है, उन्होंने नया फार्म डाला है। लेकिन कोलकाता में सबसे टॉप एनिमल उनके पास देखने को मिलेगी, क्योंकि एक कुछ दिन मेरे पास रह के ट्रेनिंग लेके मेरे यहाँ से एनिमल चार्ज करके लिए, और वो जब आए थे पिछले साल तभी ये बच्ची पैदा हुई थी। ओके, और उनको मैंने विश्वास दिलाता है कि मैं 15 साल से का तजुर्बा है, आप पिंदा से फीमेल लीजिए, आपको देख के खुशी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। तो ये अभी जैसे कि आप यहाँ पे आए, अभी ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए आए यहाँ पे खास, है ना? तो ये ट्रांसपोर्ट किससे कराने लगे आप? ये जाने माने ट्रांसपोर्टर है कि मैं उनको बुलाना चाहूँगा, सरप्राइज भाई, कि बहुत विश्वास बंदे हैं जिनके हाथ में ये फीमेल जनरेशन की है, थोड़े प्राइस में पकड़ लीजिए 1 लाख रुपए के, लेकिन 10 लाख की भी एनिमल आता है ना, तो ये सरप्राइज उनके हाथ में मैं देख आराम से घर को जा सकता हूँ, इतना ये विश्वास और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और इनके हाथ से ही दे रहा हूँ आप। जी, थोड़ा सरवा भाई से बात कर लेता हूँ। जी सर, सरवा भाई, अभी जैसे कि ये फीमेल है काफ़ी महंगी है, तो थोड़ा सा एक ये रहता है, लोगों को डर रहता है कि भाई ये मैं ट्रांसपोर्ट करा रहा हूँ तो ये सही से पहुँचेंगी या नहीं, थोड़ा सा मन में चिंता रहती है ना? तो आप कैसे तरीके से ध्यान देते हैं कि भाई मेल हो या फीमेल हो? लोडिंग का तो काम तो सबसे नहीं रहता है, खाली इतना है कि जानवर को तकलीफ नहीं हो, जानवर कैसा सेफली अंदर डालते उठाते वो केयर करनी पड़ती है। अभी जैसे ये लोडेड फीमेल, लोडेड फीमेल के लिए साथ में आदमी रखो, उसको आराम से कोई तकलीफ नहीं हो, वही। और लोडिंग के काम में आप अलहमदुल्ला तकरीबन 17-18 साल तो हो गए। जी अलहमदुल्ला, जी जी, हाँ अलहमदुल्ला। तो उतना तो भरोसा रखते है पार्टी कि हमारा अगर महंगी से महंगा भी जानवर है और हम इनके हाथ पे छोड़ते हैं तो हमारा जानवर सेफली पहुँच जाएगा, हो जाएगा। और उसमें अपन ये ख्याल रखते हैं कि लोडिंग की पूरी डिटेल, पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन से लेकर हर चीज़, और फिर साथ में कोई बंदा भी अगर अपन देखते हैं कि अगर वो भी एडजस्ट होता है अपना साथ में, कि वो कंटिन्यू जानवर को पानी वगैरह देखते रहे जिससे कि डिहाइड्रेशन नहीं हो जानवर को, और उसको सफर में तकलीफ नहीं हो, वहाँ जाने के बाद में सेफली जानवर कस्टमर के हाथ में मिले। जी माशाल्लाह सरवा भाई, आपको तो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और काफ़ी बकरे आप पहुँचा चुके, तो सर आपने सरवा भाई को क्यों जैसे कि बोलते, दूसरे भी लोग रहेंगे ना? सर क्या है कि कहने में बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक ही बात कहता हूँ, कैसा कि है रोजी रोटी है, और अपनी रोजी रोटी किसी के हाथ में देते वक्त बहुत समझ के देनी पड़ती है, यानी कि विश्वास के साथ। और इस इंडस्ट्री में बहुत से एनिमल में काम करते लोग, बोर इंडस्ट्री में मैं विश्वास के साथ मेरा एनिमल जिसके हाथ में दे सकता हूँ वो खाली सरफराज भाई है, क्योंकि एक बार इनके हाथ में एनिमल दे दिया तो कस्टमर के सिवा कहीं और नहीं जाएगा, ये मेरा 10-12 साल का तजुर्बा है इनके बारे में। सही बात है, तो इसलिए इनके पास उसके ऊपर बहुत भरोसा है अपना। हाँ ठीक है, तो जैसा मैं केयर करता हूँ वैसा ही वो केयर करता है प्रॉपर। और उसमें एक बात मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये जो फीमेल प्रेग्नेंट है ये बस 1 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी कि 31 दिन की प्रेग्नेंट है। ठीक है, ये अभी ये फर्स्ट ईयर के है, 1 साल की जी। हाँ, ये और खाली 1 महीने की प्रेग्नेंट है, 1 महीने की प्रेग्नेंट। जब 5 महीने की हो जाएगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बनेगी, इसका घेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ जी, और जैसे कि थोड़ा लूज मोशन है आज इसका। जी जी हाँ। जी, और जैसे कि पकड़ लीजिए कि जैसे ये 3 साल की हो जाएगी, हाँ एडल्ट मैच्योर हो जाएगी, तो भी आपको पता चल सकता है कि ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर पकड़ लेगी। जी जी सर, नहीं अभी क्वालिटी दिखा रही सर ये प्रॉपर। तो सर काफ़ी अच्छी मालूमत दी आपने, और सरवा भाई ने भी जैसे कि हमेशा उनका काम रहता ही है वो तो बोलने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, काफ़ी साल से काम कर रहे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो जैसे कि आपको जैसा एक्सपीरियंस है वैसे सरवा भाई को एक्सपीरियंस है ट्रांसपोर्ट कराने का। तो फिर भी जैसे कि आप थोड़ा सा ये लेते रहते हैं, इनसे पूछताछ करते थे भाई कहाँ पे पहुँचे अभी या नहीं का जो भी है। जी जी हाँ। तो चलता है, कैसा है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं रहेगा ना तो उसको तुम हीरा भी दे देंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, मेरा जानवर मेरा एनिमल कहाँ तक पहुँचा, कैसे पहुँचने वाला है, उसकी डिटेल अगर उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी ना
तो फिर वो कंफ्यूज रहता है, बोले भाई मैंने सही आदमी के हाथ में पैसा दिया, मैंने जानवर किससे खरीदा। इससे क्या होता है कि जिससे जानवर खरीदता है ना उसके ऊपर से भी भरोसा नहीं रहता है। ऑनलाइन पे ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन पैसा डालते हैं पब्लिक, तो फिर ये जानवर निकला, उसकी डिटेल मिल गई, जानवर सफर में है, कैसा है, क्या कंडीशन में सफर कर रहा है, बीच में अगर कहीं चाहिए वीडियो तो वो वीडियो भी मिल जाती है अपने जरिए से। और जानवर पहुंचने तक के, भाई जानवर मिल गया तुम्हारा, जानवर पहुंचने वाला है, आधा घंटा बचा है, तुम स्टेशन पर पहुंचे, हाँ पहुंच गए, कैसे निकलना है, गेट पास कैसे बनाना है, वो प्रॉपर गाइड करते हैं जी, ताकि उसकी वजह से कस्टमर बना रहता अपना, कि उसको इतना मालूम है कि मेरा यहाँ से प्रॉपर काम होने वाला स्टेप बाय स्टेप, कहीं बीच में ये नहीं हो, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली है कि भाई अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ तक के खबर मिली आधे रास्ते तक के, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे कैसा करेंगे, तो वो गाइडेंस काम अपन प्रॉपर हो जाता काम जी। ठीक है, तो सर आपका नंबर बताना चाहेंगे आप, जैसे कि किसी को कॉन्टेक्ट करना है? बता सकता हूँ जी, थोड़ा मराठी में बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। 83 83 29 29 36 29 33 36 38 38 38 38 38। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, आप मुझे दे देना, बहुत पुराना तो मैं स्क्रीन पर दे दूंगा नंबर, ये कुछ मसला नहीं। इसमें माने साहब का नंबर है 83 39 3 66 8 30। तो ये स्क्रीन पर दे दूंगा मैं, कुछ मसला नहीं, जैसे मराठी में बोल रहे तो आप लोग समझ गए थे। अब एक बात सर, मैं बोर के बारे में बोलना चाहता हूँ सर सभी के लिए। बोर ये ब्रीड है ना, पूरी इंटरनेशनल ब्रीड है, जिस जिस कंट्री में एनिमल पाले जाते हैं उस कंट्री में बोर पाला जाता है। ओके okay. क्योंकि उसकी खासियत ये है, जो बंदा एक बार बोर पालता है ना वो जिंदगी में कभी उसको भूलेगा नहीं, इतना लगा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी ब्रीड नहीं ले पाएगा, नहीं पाएगा। लेकिन लेकिन उसमें एक बात खास ध्यान में रखनी चाहिए कि लेते समय कहाँ से लेना है ये थोड़े बहुत, क्योंकि बहुत से लोग का प्रॉब्लम क्या होता है कि खाली बोर नाम से लेते हैं, ब्राउन मुंडी व्हाइट से, लेकिन उनको जो चाहिए होता है जो खुशी वो मिलती नहीं। अच्छा, उसमें मिक्सिंग बहुत हो गया है अभी, प्रॉपर ब्रीड नहीं मिल रही है ऐसा। तो मैं ये की बात करना होगा, आप अगर अच्छा और ओरिजिनल बोर खरीदना चाहता हूँ तो आप एक बार मेरा फार्म विजिट करिए, देखिए और फिर डिसीजन लीजिए कि कहाँ से कौन सा एनिमल लेना है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे से ले लो, लेकिन एक बार देखिए कि क्वालिटी कैसी होती है, क्या है, जानकारी लीजिए, पालना कैसा है, उसको डेवलप भी कैसा करना है, ये सब जानकारी लीजिए और फिर बोर लीजिए। बिंदास बोर एक ऐसी नस्ल है कि आपकी पूरी जिंदगी का पूरा सपना आपका सच कर देंगे। मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं टीचर का काम था, लेकिन परमानेंट नहीं था, किराए के घर में रहता हूँ, लेकिन ऊपर वाले की देन दी मेरे को ये बिजनेस का, और पूरे इतना मेरे पास है कि पकड़ लीजिए कि जो बंदा चाहता है कि गाड़ी हो, 4 लाख की टू व्हीलर हो, जीटी हो, वो सब मेरे पास है। अभी फोर व्हीलर है, बंगलो है, प्लॉट है, और ये सब मैंने खाली इस बकरों से कमाया है, बकरों से कमाया सब। और आज साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ईमानदारी से, ईमानदारी से प्रॉपर डिटेल, ईमानदारी ईमानदारी साथ में थी और कस्टमर सेटिस्फाई। ओके, और जो भी इन्होंने नस्ल दिए उससे ये तो खुद बड़े बने ही, साथ में इनके साथ में काम करने वालों को भी बना, बड़ा बना है। ठीक है, काफी अच्छा मैसेज दिया आपने सर, थैंक यू सर। तो वीडियो को एंड करता हूँ मैं, जी सर, और जो भी भाई जैसे कि रिक्वायरमेंट होगी तो आपको जरूर कॉल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।